भारत के संविधान निर्माता, तो नहीं आ रहा हुआ यार, ठीक है, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है। मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं और हमने ये फैसला किया है कि पंचतीर्थ जन्मभूमि महू, शिक्षा भूमि लंदन, दीक्षा भूमि नागपुर, महापरिनिर्वाण भूमि दिल्ली और चैत्य भूमि जहाँ अंतिम संस्कार हुआ मुंबई। मुझे कहते हुए गर्व है कि महू में अगर बाबा साहब का स्मारक बनाने का सौभाग्य मिला तो हमें मिला। पंचतीर्थ का निर्माण और वहाँ सभी आवश्यक व्यवस्थाएं, मैं प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को भी हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि उसके लिए उनके मार्गदर्शन में काम हुआ और मध्य प्रदेश का ये सौभाग्य है कि हमने तय किया है कि इन पंचतीर्थ को हम मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत जोड़ रहे हैं, हमने जोड़ दिया है। पंचतीर्थ में से एक तीर्थ है लंदन, तो पांचों तीर्थों को जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के जीवन से संबंधित है तीर्थ यात्रा के अंतर्गत जोड़ा जा रहा है। दूसरे कई दिनों से वह मांग थी, स्मारक तो हमने बना दिया लेकिन वहाँ कोई एक अच्छी धर्मशाला, क्योंकि जब उनके अनुयायी आते हैं प्रदेश के बाहर से बड़ी संख्या में आते हैं, पहले आते थे तो रुकने की कहीं व्यवस्था नहीं रहती थी, स्टेशन पर उतरते थे और अपने हाथों में सामान लेके अपना भोजन भी साथ लाते थे। तब हमने कई वर्षों पहले तय किया था कि डॉक्टर अंबेडकर महाकुंभ का आयोजन होगा, आने वाले सभी जो श्रद्धालु हैं उनकी बेहतर व्यवस्था करेंगे, तब से हमने करना प्रारंभ किया। और अब चूँकि महू की ज़मीन हमारी सेना के पास थी, वहाँ और कोई जगह मिल नहीं रही थी, लेकिन आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि सेना की एनओसी मिल गई है 3.5 एकड़ ज़मीन के लिए। उस 3.5 एकड़ ज़मीन को हम संबंधित समिति को लीज पे दे के, डॉक्टर बाबा साहब मेमोरियल समिति को, वहाँ भक्तों के श्रद्धालुओं के रुकने की ठहरने की और जो आवश्यक व्यवस्थाएं वहाँ करनी हो समिति के साथ मिलके वो भी की जाएगी। आज मैं फिर एक बार बाबा साहब के चरणों में प्रणाम करता हूँ, वो संविधान निर्माता है और हम सब संविधान के अनुसार शासन चलाने का काम कर रहे हैं।